बसमल्लामान रहीम आप मेरा ऑफिशियल वीडियो चैनल देख रहे हैं और मैं डॉक्टर बाबर जहिरन आपसे मुखातिब हूँ अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है कि बेल आइकन को आप प्लीज़ प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी नोटिफ़िकेशन आपको गहे बगाहे मिलती इसके अलावा आपसे दरख्वास्त है कि अपने कमेंट्स अपने आरा से हमें मुस्तफ करते रहें बहरहाल आज के मौजू की तरफ आता हूँ कुछ थोड़ी सी खबर मिली जुली हैं हेस कॉल के बारे में 24 तारीख को सेनेट की स्टैंडिंग कमिटी ऑन फाइनेंस मिली तला महमूद के जेर सदारत और उन्होंने हेस्कॉल के बारे में फ्रेंजिक इन्वेस्टिगेशन का हुक्म दे दिया फ्रेंजिक इन्वेस्टिगेशन में आपको ये बता दूं इसमें यह होता है कि इसमें बाल की खाल उतारने वाली बात होती है एक नॉर्मल इन्वेस्टिगेशन होती है एक फ्रेंजिक इन्वेस्टिगेशन होती है तो जहां बाल की खाल उतारी जाए उसको हम फ्रेंजिक इन्वेस्टिगेशन कहते हैं जो फ्रेंजिक का वर्ड है वो मेडिकल टर्म से यूज़ किया गया है कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसको आप इन्वेस्टिगेट करें और उसमें आप साइंटिफिक तौर तरीके इस्तेमाल करें जिससे कि आपको पता लगे कि ये वाक़ या ये, ये ख़ास चीज़ क्यों रून हुई बहरहाल फ्रेंजिक से अब हम आते हैं कि स्टैंडिंग कमेटी ने इस तरह क्यों इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर की उसकी वजह ये थी कि बहुत लोग परेशान हैं स्कॉल के शेयर के बारे में तो एक वक्त था कि इनकी जो टू चौबीस बिलियन का लॉस था 2018 में 2019 में 48 बिलियन का लॉस हुआ और एकदम से अभी जो लॉस है वो चौहत्तर से अठहत्तर अरब से ऊपर चला गया एक वक्त ये कंपनी प्रॉफिट में थी और प्रॉफिट के हिसाब से ये 956 मिलियन बना रही थी तो क्यों इस कंपनी को सडन लॉस हुआ एक साल के अंदर अंदर कंपनी लॉस में चली गई इसकी वजूहत क्या थी इसकी मुहरकत क्या थी ये तो देखिए जी एक तो ऑडिट है एक फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन ये तो जब कंप्लीट होगा तो पता लग जाएगा मगर जो यहाँ बात काबिल गौर है कि अभी तक किसी ने ऑडिटर्स की तरफ उंगली नहीं उठाई उनका उसके बाद कौन सा ऑडिटर था उस ऑडिटर ने क्यों नहीं ये चीज़ की निशानदही की ऑडिटर्स किस तरह सोते रहे तो मेरा ख़्याल है कि उस ऑडिटिंग फर्म का लाइसेंस कैंसल होना चाहिए क्योंकि दे फेल टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी ने एक और चीज कही जो 18 बैंक्स जिन्होंने हास्टॉल को लोन दिया उसके बारे में सारी उन्हों का हमें उन्होंने करें और उन गारंटीज का भी जायजा लें जिन गारंटीज के अगेंस्ट हैसकॉल को लोन दिया गया एस सी पी ने अपनी ब्रीफिंग बताया कि हेस्कल के खिलाफ इस वक्त दो इन्वेस्टिगेशन चल रही हैं और अब ये एक फ्रेंसिक इन्वेस्टिगेशन भी शुरू हो गई है बहरहाल जब भी इसका रिजल्ट आता है इसके ऊपर हम मजीद तबसरा करेंगे मगर मैं एज अ फाइनेंशियल एनालिस्ट आपको फिर बता रहा हूं कि हालात कुछ ज्यादा बेहतर नहीं हुए हालात जू हैं क्योंकि आज भी यानी कि 26 तारीख को इसका शेयर जो है सात रुपये नब्बे पैसे पे खुला आठ तिरतालीस पे हाई लगा और क्लोज सात बानवे पे हुआ और लो लो सात रुपए नौ पैसे तो शेयर तो वहीं अटका हुआ है तो किसी वक्त ये शेयर तो ढाई सौ रुपये से ऊपर था और अब अब देखिए कि इस शेयर नीचे आ गया है तो मुझे बहुत लोगों का फोन कॉल्स आते हैं कमेंट्स आते हैं कि सर हम क्या करें तो एज अ फाइनेंशियल एनालिस्ट मैं आपको कह रहा हूं इस वक्त स्वाय जो मेरा कॉल है होल्ड स्टेटस है आप इस शेयर को होल्ड कीजिए फिर मुझसे सवाल पूछा जाता है सर हम कब तक होल्ड करें तो मैंने कहा जी दिसंबर तक इसको होल्ड करें जब तक के कंपनी की अपनी ऑडिट इन्वेस्टिगेशन नहीं कंप्लीट होती मगर एक बात जो काफ़ी खुश आइन है वो ये कि क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस के चार्जेस बहुत जल्द लागू होने वाले हैं उन लोगों पे जिन्होंने ये डिफॉल्ट किया शेयर इसका रेंज बाउंड रहेगा सात और आठ रुपए के दरमियान अगर कभी सात रुपए तोड़े तो पैनिक ना कीजिएगा आठ रुपए से ऊपर जाइए जाए तो बाइंग ना कीजिएगा अगर आपके जो शेयर हैं उसको अपनी जगह होल्ड कीजिए और फिर मैं एक दफ़ा दोबारा धार आ रहा हूँ एज अ फाइनेंशियल एनालिस्ट काइंडली होल्ड हेज कॉल वे यू वॉट इंशाल्लाह एक और मालूमती वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे हमें ज़रूर बताइए कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी और अपने कीमती आरा से हमें आगाह कीजिए वसलामला ख़ातमनबीन